एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग वॉक को निकले हैं, जॉगिंग को। राज को लेके देखिए, राज है गुंजन। और मॉर्निंग से ही आज से मैं ब्लॉग चालू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? तो हम सब केनल पे आए हैं घूमने, और सुबह का नज़ारा देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा है। और पूरब की तरफ हम सब जा रहे हैं, अभी सूरज भी नहीं निकले अच्छी तरह से। तो आप सभी इंजॉय कीजिए हरे हरे। और ये केनल है, और यहाँ देखिए, यहाँ से सूरज निकलता है, कितना अच्छा लुक है। अभी तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं आप सभी इस मौसम का और इस टाइम का, मज़ा लीजिए। और ये हाईवे है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है, तो चलिए। हाय तित्ती, हाय करो, हाय करो। कुछ भी काम नहीं करने दे रही है, इसलिए इसको देखिए किचन सेल्फ पे खड़े हैं, खिड़की पकड़ के खड़े हैं। और देखिए और मैं अभी बच्चे लोग के लिए फ्रेंड्स सेब कट कर रही हूँ देने के लिए, खाने के लिए। और बच्चे लोग को देखिए वहाँ पे, पढ़ाई कर रहे हैं। हाय गाइस, आज गांधी जयंती है, तो आपको गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय गाइस, नमस्ते, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ। क्या नाम है? और मेरा नाम गुंजन है, मेरा भैया का नाम राज है, और मैं अभी अभ्यास कर रही हूँ। तो आप मम्मी से आप खाना बनाए ना सीख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे लोग को आज गांधी जयंती का फ्रेंड छुट्टी है, तो देख सकते हैं अभी मैं सेब कट करके दी हूँ खाने के लिए। और दोनों होमवर्क लेके बैठे हैं, क्योंकि होमवर्क बहुत सारा है और पेपर भी आने वाले हैं बच्चे लोग को, इसलिए बच्चे लोग अभी होमवर्क कर रहे हैं। और मैं अभी कुछ भी नहीं बनाई हूँ फ्रेंड्स खाने में, क्योंकि बच्चे लोग आज घर पे है, इसलिए आज हैप्पी है ना बेटा। तो आज हम लोग अभी नहीं बनाए मैं खाना, तो अभी से भी इंजॉय कर रहे हैं नाश्ते में, फिर अभी बनाऊंगी। तो कैसे आप सभी फ्रेंड्स? और आज मैं मॉर्निंग से ही चालू कर, और यहाँ पे देखिए तृप्ति, हाय करो बेबी, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, वहाँ पे हाय करो, हाय करो। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा छुट्टी का टाइम, देखिए कैसे है। और मिस्टर जी गए हैं ऑफिस, और जब तक मिस्टर जी आते हैं तब तक हम लंच बना लेते हैं, और नाश्ता वगैरह हो गया है, जो फर्शन वगैरह था वो बच्चे लोग भी करे हैं। और मैं अभी लंच बनाऊंगी, तो लंच तो मैं पहले भी वही बनाई हूँ, तो
अच्छा नहीं लगता है बार बार वही चीज़ दिखाना, फिर भी कोशिश करूँगी आप सभी को पसंद आए तो। ज़रूर मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, नए हैं मेरे चैनल में तो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सभी तो। चलिए फ्रेंड्स, और हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि अभी चालू है। और यहाँ पे झाड़ दिख रहे क्योंकि हम इधर ही रखते हैं। और मैं अभी और वॉक करके आए हम तो, देखिए अभी शावर लिए थे तो इसलिए मेरा बाल गीले है, तो इसलिए मैंने बांध ली हूँ, पानी इधर उधर गिर रहे थे इसलिए फ्रेंड्स। तो कोई नहीं, और बाकी जो मेरा सिंपल मेकअप रहता है वही है। अभी क्या कर रही है, क्या कर रही है? नहीं मत तोड़ो। तो गाइस देखिए, बच्चे सब घर पे रहते तभी मैं बनाती हूँ ये सब। तो ये पापड़ लिए है, और राजभंजन को आलू का चिप्स पसंद है तो आज मैं आलू का चिप्स भी बना कट करी हूँ, और ऐसे गोल तरह से कट करी हूँ। तो इसमें देख सकते हैं आप सभी, इस प्रकार से कट करके मैं इसको भूटूंगी, फ्राई करूंगी। और ये लहसुन अदरक हरी मिर्च का है, और ये मैं बनाने वाली थी इसलिए बोले थे कि पहले भी दिखाई हूँ। ये टमाटर कट करी हूँ एक, और हरी मिर्च भी फ्राई करूंगी, मिस्टर को पसंद है। और दो प्याज कट करी हूँ ये सब में भरने के लिए। दाल भी मेरा इधर हो रहे है, दाल भी पक गए है, चावल भी मैंने पका ली है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ, और उसमें देखिए क्या है, वो उस दिन बड़ी बनाई थी ना वही है, तो ऑयल मैंने डाल दी हूँ और गर्म भी हो गया है। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले पापड़ ही छान ली हूँ क्योंकि ऑयल ज़्यादा डाली थी पापड़ के लिए, तो पहले पापड़ ही छान ले रही हूँ। और यहाँ पे पापड़ मैंने छानी, और फिर बाद में सारा फ्राई वगैरह कर लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आलू का चिप्स डाल दी हूँ, उसमें टमाटर फ़ौरन तैयार करके मैं आलू का चिप्स जो कट करी थी वो डाली हूँ। तो इस तरह से इसमें सारा कुछ ऐड करके मैं देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो ये भी मेरा तैयार हो गया है, और मैं पूरी तरह से लंच आपको बनाने टाइम नहीं शेयर करी क्योंकि मैं आप सभी को पहले भी दिखाई थी। और यहाँ पे देखिए मेरा लंच हो गया है तैयार, मैं आज मेरा लंच ये है। बच्चे लोग रहते हैं तो कुछ भी जो पसंद होता है वो बनाती हूँ, तो ये है आज का हमारा लंच। तो इंजॉय कीजिए आप सभी भी। हेलो फ्रेंड्स, तो लंच वगैरह मेरा सब हो गए है, और मैं अभी फ्री हूँ। तृप्ति भी खेल रही है और राजभंजन भी खेल रही है, तो मैं अपने चेहरे पे जो अप्लाई करूंगी तो आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं ये जो है टमाटर, मैं इसको कट करके ऐसी कट कर ली हूँ, और इसमें ली हूँ चीनी शक्कर। तो मैं इसका जो ये जूस है तो मैं इसमें ऐसे लगा के ऐसे देख सकते हैं ऐसे अपने चेहरे पे अप्लाई करूंगी। इसी प्रकार से मैं सारे चेहरे पे मैं जो है
अप्लाई कर लूंगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आप रोज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कुछ ये नहीं है, नेचुरल है, कुछ नुकसान नहीं करेंगे। और आप सभी देख सकते हैं मेरे चेहरे पे डार्क सर्कल है, तो ये सब यूज करके ही कम हुए हैं, और क्रीम भी लगाती हूँ मैं, तो ये सब यूज करके ही कम हो गए हैं। को कम से कम तो आप टाइम है तो आप 5 मिनट क्रॉप्स कर सकते हैं, और नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए तुरंत से, आपके ऊपर है। आज अच्छे रिजल्ट के लिए ऐसा क्रॉप्स करेंगे अच्छी से, तो अच्छे से ये हो जाएंगे, अच्छे इसका जो है मसाज हो जाएगा। टाइम नहीं है तो 2 या 3 दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आज मैं पूरा दिन को मैं शूट तो नहीं कर पाई, और लंच वगैरह जो करे सब नहीं दिखाई, और पर मैं थोड़ी थोड़ी एडजस्ट करी हूँ सब दिखाने के लिए। और आज से मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग चालू करी है फ्रेंड्स, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह ब्लॉग चालू करूं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए। और आप देख सकते हैं, और इसको मैं तो ये सूखेंगे नहीं तब तक मैं छोड़ देती हूँ, 10 मिनट भी लग जाएंगे, 5 मिनट भी लग जाएंगे, अपने अनुसार रहता है, मौसम के ऊपर भी रहता है, मौसम कैसा रहता है इसलिए। तो जब तक ये सूखता है फ्रेंड्स तब तक मैं काम अपना कर लूँगी, फिर वॉश करने के बाद, तैयार होने के बाद फिर से आप सभी को दिखाती हूँ कि ये कैसा है और किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं मैं चेहरे को सिर्फ वॉश करी हूँ, और क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई करी हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ मेरा जो सिंदूर मैं अभी लगाई हूँ, और सिंदूर का जो है टिक्का, और मैं तो रूम में पेंसिल वगैरह नहीं लगाई थी, मेरा नेचुरली ऐसा है, और लिपस्टिक लगाई हूँ। तो नेचुरल तरह से हम कैसा अपने चेहरे को अच्छे रख सकते, ग्लो रख सकते, देख ही सकते आप सभी। और मैं ये नहीं बोलती कि क्रीम मत लगाइए, क्रीम भी लगाइए, पर हर वक्त हम नेचुरल यूज करें तो अच्छी बात है हमारे चेहरे के लिए। और बाकी मैं कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं करी हूँ, तो देख सकते हैं मेरा चेहरा में कितना ग्लो आ गए हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर विश्वास करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और आप सभी को कैसा लगता है मेरा वीडियो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स, कैसा लगता है। और आप सभी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।